हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड फार्मिंग सिमुलेटर 20। तो भाई आज हम फार्मिंग सिमुलेटर 20 खेलने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से फार्मिंग सिमुलेटर 23 जब से आई है ना, जब से वही खेल रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ डिफरेंट कंटेंट भी लाऊं, तो यहाँ पर वही ओल्ड वाली गेम फिर से शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, इसके भी मैं गेम प्ले लाऊंगा। अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट में बोल देना, मैं इसके अलावा कोई भी गेम प्ले नहीं लाऊंगा। तो कमेंट जरूर कर देना भाई। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत में हमको दो ट्रैक्टर मिलते हैं पहले KSIH के, और वो तो मैंने काफ़ी खेला गेम को, और उसके बाद ये वाला ट्रैक्टर ले आऊँ जो है क्लास 460। और ये जो न्यू हॉलैंड का वही हमारा जो हमारे पास शायद न्यूबरन में है, ये वाला FS23 में न्यू हॉलैंड T6 175। और ये हमारे पास जॉन डियर की हार्वेस्टर है जो कि T560 आई है। तो ये फार्मिंग सिमुलेटर 23 में नहीं है, और एक क्लास का हेडर लिया है मैंने। तो सबसे पहले तो इसी को मैं जो है फील्ड में लगाता हूँ, क्योंकि मैंने जो है तीनों फील्ड में लगा रखी है सोयाबीन। सोयाबीन लगाने का यही रीज़न है क्योंकि जो है अभी शुरुआत में हमारे पास फार्म शुरू करने के लिए कोई क्रॉप लगाएंगे तो वो थोड़ी मनीपुर वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है हमको सोयाबीन के ही मिलते हैं पैसे, तो इस वजह से मैंने सोयाबीन प्लांट कर रखी है इन तीनों फील्ड में, ताकि थोड़ा हील्ड हमको सही मिले, क्योंकि वीट का जो है ना हील्ड ज़्यादा होता है, इस वजह से थोड़ा उसका पैसा कम मिलता है। पर 1,000 लीटर पे हमको मिलेंगे शायद 1,500, मैक्सिमम 1,500 जाएगी उसकी रेट, इसके अलावा ज़्यादा नहीं जाएगी। तो वीट की मेरे हिसाब से 2,500 के लगभग जानी चाहिए, और बाकी तो इस गेम को पता नहीं मेरे को कि कितनी जाती है रेट, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए भाई खेले हुए तो इतना आइडिया है नहीं। वैसे सेम ही जानी चाहिए, FS23 में जाती है अराउंड 3,500 के अराउंड जाती है इसकी जो प्राइस है ना, वीट बोल रहा हूँ सोयाबीन की, तो वही है। तो भाई इसका टेक्सचर देखो काफ़ी, इसका लाइटिंग वगैरह, अभी यार मैंने एक काम करना तो भूल ही गया, जो मैंने टाइम सेट कर रखा था उसको तो फिक्स ही नहीं किया, क्योंकि इसमें जो है ना स्कीप नाइट का तो है नहीं ऑप्शन कि आप स्कीप मंथ करो, मंथ वगैरह सीजन वाला तो इसमें है ही नहीं कुछ, क्योंकि इसमें जो 145 गुना या फिर 90 गुना भी नहीं है भाई, इसमें 45 गुना ही है। तो 45 गुना आप टाइम करोगे तब जाके जो है आपकी क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट होगी। तो आपको लगभग 40-45 मिनट जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट होगी एक बार सीडिंग करने के बाद। तो ये है FS20 में थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बेड है और बाकी ठीक है। और इसमें लाइटिंग का जो है ना वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और FS23 में भाई लाइटिंग को लेके इशू है, उसमें लाइटिंग को लेके अभी कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है, इस पर काम करना चाहिए, शायद इम्प्रूवमेंट हो जाए फ्यूचर में। लेकिन FS20 में काफ़ी अच्छी है लाइटिंग के, और व्हीकल वगैरह भी काफ़ी अच्छे चलते हैं व्हीकल्स के, और FS23 में उतना अच्छा नहीं चलते, क्योंकि मैंने चला के देखे हैं उसमें। अभी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने अच्छे चलते हैं व्हीकल लाइटिंग वगैरह। और बाकी इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर हेल्पर लगा देता हूँ मैं, और इस वाला ट्रैक्टर को पीछे पीछे लगा देता हूँ, क्योंकि ये सीडर है 6 मीटर का है, तो ये भी टाइम लेगा भाई सीडिंग करने में, तो इससे अच्छा है कि हमें साथ साथ ही जो है सीडिंग भी कर लें। यार थोड़ा ठीक से बहुत फिसल रहा है, क्योंकि ये कम हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और ये न्यू है भाई, अपडेट के दौरान आया होगा मेरे हिसाब से, मैं जब गेम खेलता था ये नहीं था। तो यहाँ पर इसको लगाता हूँ एक बार हेल्पर। लो भाई अभी यार से कंट्रोल जो है थोड़ी सी अजीब से है, बस 23 खेलते खेलते इसी कंट्रोल भी भूल गया भाई, ये जोस्टिक है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा रखी है, और इसमें फिक्स करने की सेंसिटिविटी कोई है नहीं। FS23 में तो सेंसिटिविटी फिक्स कैमरा सभी जो फीचर है ना वो दे रखे हैं, इसमें नहीं है भाई। तो इसमें फिर से ही मैं कनोला ही प्लांट कर रहा हूँ, क्योंकि कनोला की अच्छी रेट चलती है, तो ठीक है वैसे कम निकलती है लेकिन थोड़ा अच्छा रेट मिल जाता है तो वो सही रहता है। और बाकी तो और क्रॉप तो इसमें है नहीं इतनी खास कि वो प्लांट कर ले,
इससे अच्छी कोई क्रॉप मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई क्रॉप हमको मिलेगी अपने टवंटी में। और यहाँ पर ट्रैक्टर का इंटीरियर देखो भाई, अंदर से भी लाइटिंग का यही बोल रहा था भाई, जो लाइटिंग का देखो भाई कि ये मीटर वगैरह क्या बात है इस ट्रैक्टर के चमक रही है। तो ये इशू है अपन टवेंटी थ्री में कि लाइटिंग को लेके थोड़ा सा कोई पता ही नहीं चलता कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। यहाँ पर देखो भाई ये क्लास लिखा हुआ पीछे, और इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। और अगर हम अपन टवेंटी थ्री में ट्रैक्टर के इंटीरियर को देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई रात हो रही है और रात में हम ट्रैक्टर के इंटीरियर को देख रहे हैं, कुछ नज़र ही नहीं आता, ऐसा कुछ हाल है अपन टवेंटी थ्री का। तो इसमें भाई लाइटिंग बहुत ही काफ़ी अच्छी है। और एक बार आपको वीकेंड दिखाऊँ मैं, वो भाई ऊपर जा, ये देखो अबे यार ये किधर जा रहा है, ये देखो भाई वीकेंड देखो एक बार आप कितने चमक रही हैं, लग रहे हैं ना भाई ये वीकेंड चल रहे हैं इसमें। और एपस ट्वेंटी थ्री में आपने देखा होगा, अगर मेरी न्यू ब्रन की है मेरे एमेस्टोन की सीरीज फॉलो कर रखी है आपने, उसमें देखा होगा कि वीकेंड भाई इतने कम जूते हैं कि वो नज़र ही नहीं आते। या फिर मेरे गेम के साथ ऐसा है या फिर गेम के साथ ही ऐसा है, पूरी गेम के साथ ही, अब वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बहुत कम जलते हैं भाई। और ये न्यू हॉलैंड वाले के साथ करते हैं हम ट्रेलर अटैच। अभी तो भाई कुछ काम है नहीं हमको, यही एक है कि फील्ड में हार्वेस्ट करो और उनको सेल करके आओ। वैसे साइलो में भी कुछ क्रॉप रखी है पहले से हमको मिलती है ना, उनको मैंने सेल नहीं किया है, तो उनको भी मैं जल्द सेल कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम हार्वेस्ट का काम कंप्लीट कर लें इधर। तो भाई ये अपना काम इधर कंप्लीट कर दी तो मैं आगे वाले फील्ड में लगा दूं इसको। अबे यार के काफ़ी है अजीब सा कंट्रोल हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं न्यू खेल रहा हूँ इस गेम को, पता नहीं कंट्रोल ही नहीं हो रही किधर जा रहा है ये। चलो कोई ना। और ये पीछे वाली ब्रेक लाइट देखो आप, ब्रेक दबाने पर ये लाइट झुकती है ना भाई, ये भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, यहाँ से नज़र आ रही है एफ एस टाउंड थ्री में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। पता नहीं क्यों जायंट सॉफ्टवेयर वालों ने ऐसा किया है, लेकिन ये सच है भाई, शायद फ्यूचर में अपडेट हो जाए, क्योंकि अभी तो न्यू गेम है ना, 2 महीने हो गए होंगे आए हुए। तो भाई आज की गेम प्ले में इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।